तो दोस्तों कैसे हो, आई होप कि दोस्तों आप सब ठीक होंगे। तो दोस्तों काफ़ी दिनों के बाद ओनर की तरफ से एक नया स्मार्टफोन लॉन्च किया गया है ओनर 95G के नाम से, और ये स्मार्टफोन दोस्तों 40,000 रुपये के अंदर में आपको देखने को मिलता है। और इसी प्राइस सेगमेंट दोस्तों आपको कई ब्रांड के स्मार्टफोन मार्केट में देखने को मिलेंगे। तो इस कड़ी प्रतियोगिता में क्या ओनर 95G स्मार्टफोन कड़क टक्कर दे पाएगी या फिर नहीं, आइए चलते हैं इस वीडियो में देखते हैं। तो गाइस अगर आप मेरे चैनल में पहली बार हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों आइए चलते हैं वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों डिजाइन की। तो यहाँ पर दोस्तों इस स्मार्टफोन की बैक पैनल जो कि ग्लास पैनल का देखने को मिलेगा, और इसका फ्रेम जो कि पॉलीकार्बोनेट का आपको देखने को मिलेगा। और बैक पैनल के डिजाइन को ओनर की तरफ से डुअल रिंग कैमरा सिस्टम डिजाइन बताया गया है। और बैक पैनल दोस्तों आपको दो राउंड शेप में कैमरा कटआउट देखने को मिलता है, जो कि पैटर्न से थोड़ा उभरा हुआ आपको देखने को मिलेगा, जिसमें आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है। और बाकी के पैनल दोस्तों आपको डॉटेड पैटर्न देखने को मिलता है, जो कि रोशनी में चमकती है। और इसी पैटर्न के कारण दोस्तों थोड़ा सा ग्रिप भी बनता है, तो फिसलने का कोई भी डर आपको इस स्मार्टफोन में देखने को नहीं मिलेगा। और यही डॉटेड पैटर्न जो कि आपके स्मार्टफोन के फिंगरप्रिंट से भी प्रोटेक्ट करती है। और नीचे की तरफ दोस्तों आपको ओनर का ब्रांडिंग देखने को मिलेगा। और ओनर 95G स्मार्टफोन की अगर फ्रेम की बात किया जाए दोस्तों, तो ये ग्लोसी और ग्रीन कलर ऑप्शन में आपको देखने को मिलता है। और राइट साइड में देखा जाए दोस्तों, तो यहाँ पे आपको पावर बटन और वॉल्यूम की रोका देखने को मिलता है। और सभी बटन को दोस्तों इस प्रकार से प्लेस किया गया है कि आप इस स्मार्टफोन को सिंगल हैंड भी काफ़ी आसानी से यूज कर सकते हो। और यहाँ पे दोस्तों बटन साइड में देखा जाए दोस्तों, तो यहाँ पे सिम कार्ड ट्रे, टाइप सी कपोर्ट, सिंगल स्पीकर और माइक्रोफोन देखने को मिलता है। और टॉप साइड में आपको सेकेंडरी माइक्रोफोन देखने को मिलेगा। और इस स्मार्टफोन के अगर फ्रंट साइड की डिजाइन की बात किया जाए दोस्तों, तो यहाँ पे आपको कर्व डिस्प्ले देखने को मिलता है, जिसके चारों तरफ आपको पतले बेजल देखने को मिलते हैं। नीचे की तरफ दोस्तों आपको थोड़ा सा मोटा बेजल देखने को मिलता है। और स्क्रीन के ऊपर में आपको नॉच डिस्प्ले देखने को मिलती है, जिसमें कि आपको सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा। इस स्मार्टफोन के अगर वेट की बात करें दोस्तों, तो ये 183 ग्राम का है और 7.8 mm का यहाँ पे थिकनेस देखने को मिलता है। तो ये स्मार्टफोन दोस्तों काफ़ी पतला और काफ़ी हल्का है, तो इन हैंड फील दोस्तों ये स्मार्टफोन काफ़ी बढ़िया है। लुक और डिजाइन की बात किया जाए दोस्तों, तो ये काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी का लुक और डिजाइन के साथ देखने को मिलता है। डिस्प्ले की बात किया जाए दोस्तों, तो यहाँ पे 6.7 इंच का कर्व आमोलेड डिस्प्ले पैनल देखने को मिलता है, जिसमें 120Hz का आपको रिफ्रेश रेट देखने को मिलती है। तो स्क्रीन दोस्तों काफ़ी ज़्यादा स्मूथ आपको देखने को मिलेगा, पिक्चर क्वालिटी काफ़ी बढ़िया आपको मिलेगा। और यहाँ पे दोस्तों 26x64x12 पिक्सल का आपको काफ़ी शानदार रेजोल्यूशन देखने को मिलता है। HDR10+ का सपोर्ट आपको मिलेगा और 1600 nits का यहाँ पे पीक ब्राइटनेस देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी बढ़िया है। सूरज की रोशनी में भी दोस्तों आपको कंटेंट पड़ने में किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। और यहाँ पर दोस्तों 3840Hz का PWM डिमिंग जैसे फीचर्स भी मिलते हैं, जो कि आँखों को प्रोटेक्ट करती है। तो ओवरऑल देखा जाए दोस्तों, तो इस स्मार्टफोन की डिस्प्ले आपको काफ़ी प्रीमियम देखने को मिलता है। और परफॉर्मेंस की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे स्नैपड्रैगन 7 Gen 1 का आपको पावरफुल चिपसेट देखने को मिलता है, जो कि 4 नैनोमीटर फैब्रिकेशन पे बेस्ड है। तो यहाँ पे दोस्तों चिपसेट काफ़ी फास्ट आपको देखने को मिलेगी। और यहाँ पे दोस्तों 8GB LPDDR5 का रैम सपोर्ट मिलता है, 256GB स्टोरेज UFS 3.1 का सपोर्ट मिलता है। तो यहाँ पे दोस्तों गेमिंग एक्सपीरियंस काफ़ी बढ़िया है, फ्री फायर और पबजी जैसे गेम आप काफ़ी स्मूथली खेल सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे आप कई एप्लीकेशन को ओपन करके वर्क कर सकते हैं, वीडियो स्ट्रीमिंग कर सकते हैं, कॉलिंग के दौरान आप सोशल मीडिया एप्लीकेशन का यूज़ कर सकते हैं, किसी भी प्रकार का आपको यहाँ पे लैग प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगा। और कैमरा डिपार्टमेंट की बात किया जाए दोस्तों, तो ये बेसिकली कैमरा के लिए ही लॉन्च किया गया है। इसमें रियल पैनल में आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, जिसमें 200 MP का आपको प्राइमरी कैमरा देखने को मिलेगा। साथ ही साथ यहाँ पे 12 MP का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और 2 MP का यहाँ पे माइक्रो सेंसर देखने को मिलता है। और फ्रंट में दोस्तों आपको 50 MP का सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है। तो फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी के लिए दोस्तों ये स्मार्टफोन काफ़ी अच्छा है, 4K 30fps में वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। बैटरी की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे 5000 mAh का बैटरी दिया गया है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे आपको कमी भी देखने को मिलती है। यहाँ पे आपको चार्जर नहीं दिया जाएगा, तो दोस्तों आपको चार्जर अलग से खरीदना पड़ेगा। और यहाँ पे दोस्तों चार्जिंग सपोर्ट कितनी वाट की दी गई है इसके बारे में नहीं पता है दोस्तों, तो अगले वीडियो में आपको चार्जिंग के बारे में भी पूरी डिटेल दी जाएगी। तो यहाँ पे दोस्तों बैटरी बैकअप आपको काफ़ी बढ़िया मिल जाती है। और यहाँ पे दोस्तों सॉफ्टवेयर की बात किया जाए दोस्तों, तो यहाँ पे 100% 13 का ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि मैजिक ओएस 7.1 टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। और यहाँ पे दोस्तों 2 साल का आपको सॉफ्टवेयर अपडेट और 3 साल का सिक्योरिटी अपडेट भी दिया जा रहा है, जो कि काफ़ी बढ़िया है। और यहाँ पे अदर फीचर्स की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे आपको NFC का सपोर्ट मिल जाएगा, ब्लूटूथ का सपोर्ट मिल जाएगा, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट का सेंसर आपको देखने को मिलेगा। तो गाइस आपको यह स्मार्टफोन कैसे लगी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले दिन नए वीडियो के साथ, तो आज के लिए टेक केयर, जय हिंद, बाय बाय।